लीव्स। सो हम जा रहे हैं पंत पाकर। क्या है कार्तिक वहाँ पे? पंत पाकर में सीता जी वहाँ पे रहे थे। अच्छा? सीता जी वहाँ पे बरस किए थे तो जहाँ लकड़ी फेंक देते थे वहाँ पे बरगद का पेड़ उग जाता था और वही डाली जहाँ पे गिरता है। जी हाँ, कहा जाता है कि सीता माँ और राम जी ने ब्रश किया था तो जिस लकड़ी से किया था वो लकड़ी फेंके थे वहाँ पे बरगद का पेड़ हो गया। वहाँ पे 100 बरगद का पेड़ हो चुका है और बढ़ते जा रहा है। सो हम वहाँ पे देखने जा रहे हैं कि ऐसा है या नहीं है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए स्टाइल को सब्सक्राइब करें। यस, ताने स्टाइल को फॉलो करें। आगे का वीडियो हम आगे के वीडियो में दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं पंत पाकर के भव्य मंदिर में जहाँ पे माँ सीता की डोली रुकी हुई थी। तो वहाँ पे सीता माँ ने अपना मुंह धोया, मतलब ब्रश किया था, तो उस लकड़ी को फेंका तो वहाँ पे बरगद का पेड़ हो चुका है। और वहाँ पे बरगद का पेड़ होने के बाद जिससे कुल्ला किया वो पानी से पोखर बन चुके हैं। तो ये है पंत पाकर और पंत पाकर की भव्य मंदिर जहाँ माँ सीता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की भव्य मूर्ति है। सो आप आगे देख सकते हैं कि कितनी सुंदर और कितनी भव्य है ये मूर्तियाँ। जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं ये जगह है जहाँ पे सीता माँ की डोली रुकी थी। माँ सीता का डोली यहीं पे रखा गया था। ये है सीता माँ का चरण पादुका। जी हाँ दोस्तों, और ये जगह है जहाँ सीता माँ ने अपना ब्रश करते टाइम कुल्ला किया था, क्योंकि पानी फेंका था, वो यही जगह है जहाँ पे पानी फेंका था। अब देख सकते हैं कि कितना बड़ा नदी हो चुका है पोखर। जिससे ब्रश किया था वो चीज को जो फेंका था ना, तो एक ये सारे बरगद के पेड़ हो चुके हैं और वो होते ही जा रहे हैं, वो घट ही नहीं रहे हैं, वो होते ही जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये बरगद का पेड़ बहुत सारा और ये इतने नीचे नीचे हो चुके, ऐसे फैल रहे हैं कि लग रहा है कि ये जो फैलने वाले पेड़ है, बट ये फैलने वाले पेड़ नहीं, ये बरगद के ही पेड़ है। आप देख सकते हैं कि इसके इसके अंदर नंसन कैसे जा रहे हैं, सर में लग रहा है ये बरगद का पेड़, ये फैल रहा है और बढ़ रहा है। ये है सीता माँ की महिमा, देख सकते हैं आप।